चुनाव के मौसम में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं बीजेपी की सरकार खतरे में आ गई है। जी हां, हरियाणा में भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। दरअसल बीजेपी का समर्थन कर रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने अब उनका साथ छोड़ दिया है। जैसे 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हटा, हरियाणा के नए नवेले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कुर्सी खतरे में आ गई। यही नहीं, तीनों विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। तीनों निर्दलीय विधायकों का कहना है कि वो बीजेपी सरकार की नीतियों से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया। वहीं राजनीति के जानकारों ने इसके पीछे कुछ और ही वजह बताई है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा है 45। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 32 और जेजेपी को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई थी। सरकार बनाने के लिए बीजेपी और जेजेपी ने गठबंधन किया था, लेकिन कुछ ही समय पहले यह गठबंधन टूट गया, जिसके बाद बीजेपी को 8 में से 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला। इन्हीं निर्दलीय विधायकों के सहारे बीजेपी अपनी सरकार चला रही है। लेकिन अब इन 7 निर्दलीय विधायकों में से 3 कांग्रेस की तरफ चले गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। अब बीजेपी के पास 40 अपने विधायक हैं और 4 निर्दलीय विधायकों का साथ है। यही नहीं, सूत्रों का ये भी कहना है कि इन 4 में से भी कुछ विधायक कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी को अपनी कुर्सी समय से पहले ही गंवानी पड़ सकती है। जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया वो है पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान। इन तीनों विधायकों का कहना है कि बीजेपी सरकार की नीति जन विरोधी रही है, इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि बीजेपी सरकार जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चल रही थी, लेकिन आज बीजेपी की प्रदेश सरकार अल्पमत में है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, अब बीजेपी को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, जिससे ये पता चलता है कि हरियाणा में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं सूत्रों का कहना है कि बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद भी कांग्रेस को अपना समर्थन दे सकते हैं, लेकिन वो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे हैं। अगर एक और विधायक ने अपनी बीजेपी को अपना समर्थन दिया तो समझ लीजिए कि बीजेपी के हाथ से हरियाणा गया। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटा दिया था, जिसके बाद 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब इन निर्दलीय विधायकों को नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से वो भाजपा से नाराज चल रहे थे और इसी नाराजगी के कारण उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है। खैर, हरियाणा में जो भी कुछ होगा हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। आप तक सभी अपडेट्स लाते रहेंगे, देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।